एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हा हा हालेलुया। तो कौन था ये दूत? जी हाँ, जिब्राइल। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। दिस इज़ पूजा हियर। आज हम जिब्राइल फरिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बाइबल में दूसरा फरिश्ता है फॉलन एंजल को छोड़ के, जिसका नाम बाइबल हमें बताती है। जिब्राइल फरिश्ता हमें बाइबल में तीन जगहों पर देखने को मिलता है। पहला दानियल की किताब में, उसके बाद नए नियम में। जिब्राइल के नाम का अर्थ है गॉड इज माई स्ट्रेंथ, परमेश्वर मेरा बल है। ये एक ऐसा फरिश्ता है जिसे हम याद रखते हैं। रीज़न ये है क्योंकि हम हर साल स्केट में इसका रोल देखते हैं। दानियल की किताब 8वां अध्याय, यहाँ पर दानियल ने दर्शन देखा है और परमेश्वर ने जिब्राइल फरिश्ते को दर्शन का अर्थ बताने के लिए दानियल के पास उस फरिश्ते को भेजा है। लिखा हुआ है जिब्राइल द्वारा दर्शन का अर्थ बताया जाना। इट मीन्स यहाँ पर क्लियर है कि जो फरिश्ता दानियल के पास आया था वो गैब्रियल ही था। 9वें अध्याय में दानियल ने प्रार्थना करी है अपने लोगों के लिए, और यहाँ पर फिर से दूसरी बार गैब्रियल जिब्राइल फरिश्ते का अपीयरेंस होता है, वो नज़र आते हैं। और लिखा हुआ है 9वां अध्याय 20वें पद में जिब्राइल का भविष्यवाणी को समझाना। 10वें अध्याय में एक बार फिर से परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा कि वो दानियल के दर्शन का अर्थ बताए, पर फारस के राजा ने उसे वहाँ पर रोके रखा 21 दिनों तक। जिस तरीके से मैंने इससे पहले की मिकाइल वीडियो में बताया कि मिकाइल ने आकर उस फरिश्ते को फारस के राजा से रिलीज़ करवाया और वो जाने पाया दानियल के पास उसके दर्शन का अर्थ बताने, तो ये वही फरिश्ता था। यहाँ पर जिब्राइल का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन कहा जाता है वो जिब्राइल ही था। इससे पहले कि मरियम का इस फरिश्ते से एनकाउंटर होता, मुलाकात होती, लुका की किताब उसके 1वें अध्याय में और 11वें पद से कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि जकरिया का एनकाउंटर जिब्राइल से होता है। जिब्राइल फरिश्ता उसके सामने अपियर होता है मंदिर में, जब वो जाता है धूप जलाने के लिए और वो वेदी के पास उसके सामने नज़र आता है और उसको बोलता है कि तुझे तेरी पत्नी इलीशबा से एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और यहाँ पर जकरिया उससे सवाल करता है कि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, तो यह कैसे होगा? तो स्वर्गदूत उसे उत्तर देता है, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। इसके बाद वो बड़ी गुड न्यूज़ जिसके लिए उस फरिश्ते को भेजा गया था कि वो मरियम को बताए कि वो इस जमी के उद्धारकर्ता को जन्म देगी। इन तीनों ही जगहों पर दो चीज़ें कॉमन थी। पहली चीज़ ये कि जब ये तीनों जगहों पर जिब्राइल फरिश्ता लोगों के सामने अपीयर हुआ तो वो डर गए, वो कांपने लगे। दानियल के लिए तो लिखा है कि वो ज़मीन पर गिर पड़ा, बेसुध हो गया और उसके अंदर बिल्कुल जान ही ना थी, और उस फरिश्ते ने उसे ताकत दी, उसे सामर्थ्य दी, उसे खड़ा किया और उसके दर्शन का अर्थ बताया। और वैसे ही जकरिया, जब उसने वेदी के पास फरिश्ते को खड़े देखा तो वो डर गया। मरियम के लिए भी लिखा है कि वो डर गई और इस फरिश्ते ने इन्हें कंफर्ट किया, इन्हें बोला कि मत डर। याद है मूसा ने क्या ख्वाहिश रखी थी परमेश्वर के आगे? निर्गमन 33वां अध्याय 17वें पद से लिखा हुआ है, उसने परमेश्वर को देखने की इच्छा जाहिर की कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे तेज को देखना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने कहा कि कोई भी मनुष्य अपनी आँखों से मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि वह मुझे देखते ही मर जाएगा। फिर भी मैं तुझे चट्टान की दरार में के भीतर कर दूँगा और मैं वहाँ से गुजरूँगा और तू मेरी पीठ का हिस्सा देखने पाएगा। वो परमेश्वर जिसे हम देख नहीं सकते, वो उस परमेश्वर के आगे खड़ा रहता है। ये कारण था कि वो डर गए। दूसरी कॉमन बात
इन तीनों ही जगहों पर मसीहा का जिक्र हो रहा है। जब दानियल 9वें अध्याय में जिब्राइल दानियल को उसके दर्शन का अर्थ बता रहे हैं, तो वो पॉइंट आउट कर रहे हैं मसीहा के तरफ। जब जकरिया के पास ये संदेश पहुंचा है, तो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में बात हो रही है, और यूहन्ना यीशु मसीह से पहले आए ताकि वो मार्ग को तैयार कर सके। तो ये बात किसकी हो रही है? मसीहा की। और थर्ड में हम गुड न्यूज़, उस मसीहा की बात को क्लियरली देखते हैं जो जिब्राइल ने मरियम से कही। सो एक बहुत बड़े काम के लिए परमेश्वर ने इस फरिश्ते को इस्तेमाल किया। फरिश्ते तो और भी बहुत थे, संदेश इससे पहले भी कई भेजे गए थे, पर ये फरिश्ता तैयार किया गया था मसीहा के संदेश के लिए। और एक बड़ा रोल बाइबल में हमें इस फरिश्ते का देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, क्या जिब्राइल आर्क एंजल है? सो नो, बाइबल जिब्राइल को आर्क एंजल करके मेंशन नहीं करती है। मिकाइल के लिए आर्क एंजल लिखा हुआ है, बिकॉज हमने जब लास्ट वीडियो में देखा तो कई जगहों पर उन्हें प्रधान दूत या प्रधान मिकाइल कहा गया है, जैसा कि अभी खुद जिब्राइल ने दानियल के चैप्टर 10 में लास्ट लाइन में कहा। सो नो, फिर ये आइडिया कहाँ से आया आर्क एंजल का? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि और भी साइड बुक्स हैं, हम सिर्फ बाइबल से बात करते हैं। तो ये थे मिकाइल। सो हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उन प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है, बस यू हैव टू वेट एंड बिलीव। सो ये थे जिब्राइल। आई होप कि अब आपका ज्ञान सिर्फ क्रिसमस के जिब्राइल तक ही सीमित नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे किसी और फरिश्ते के बारे में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।